शुभकामना किए हैं ये 2024 अच्छा से चले बीते। खास करके सुंदरनाथ धाम में 22 जनवरी को नंदी बाबा को स्थापना होगा, पास में है और ये मंदिर का व्यू देखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। नया साल जो 2024 का, सबसे पहले आप सब लोग को, जितना भी भाई बहन दोस्त जितना भी है सारा मेरा YouTube फैमिली का, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं हम अपना चैनल के तरफ से अपना भी तरफ से दे रहे हैं। तो दोस्तों यहां से चलते हैं, यहां आए हैं सुंदरनाथ धाम में और मंदिर का थोड़ा सा दर्शन करा देते हैं आप सबको। और ये मेरा भाई है, इसका भी चैनल है। आपका चैनल क्या है, चैनल का नाम बता दें। बुलिया अभी दीक्षित भैया को चैनल को जोर से सब्सक्राइब करेंगे सभी। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से फिर मंदिर, मंदिर का कुछ व्यू दिखाएंगे आप लोग को, बने रहिए। और आप लोग को भी सुंदरनाथ धाम जो भोले बाबा के दर्शन करवाएंगे और माता पार्वती के दर्शन करवाएंगे। चलते हैं यहाँ से, चलते हैं अभी दोनों भाई तो मंदिर, मंदिर का आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं पीछे वाले कैमरा से। अभी फिलहाल देख सकते हैं सुंदरनाथ धाम में है और यहाँ से देख सकते हैं व्यू मंदिर का किस तरह से है। और चलते हैं यहाँ से आगे, जो कि आज नया साल है 1 जनवरी, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा मंदिर के पास में है और ये मंदिर का व्यू देखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से। तो चलते हैं यहाँ से आगे दोस्तों फिर मंदिर के अंदर, तो आप लोग को दिखाएंगे पूरा व्यू। और यहाँ बहुत सारा भाई सब है सेल्फी ले, मंदिर का व्यू किस तरह से है। तो अभी फिलहाल आप लोग को हम दिखा रहे हैं, जो कि शाम हो गया अभी, शाम में आए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं मंदिर का व्यू किस तरह से है। और यहाँ अभी मंदिर को सफाई हो रहा है और इधर माता पार्वती का मंदिर है। और यहाँ चलते हैं फिर मंदिर के अंदर, फिर आप लोग को सफाई हो रहा है तो चलते हैं, अभी आप लोग को दिखा देंगे। जो कि हम अभी शाम के टाइम में आए थे, जो कि आज 1 जनवरी है तो हमको दर्शन करना था। तो यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ पे अभी बाबा जो है कि अभी शिव मंदिर जो अभी आप को देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम दर्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद माता पार्वती के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। तो इस तरह से अभी यहाँ पे साफ सुथरा कर रहा है मंदिर को पूरा तरह से। तो अभी आप लोग को हम दिखा रहे हैं शिवलिंग के दर्शन करवाएँ, तो यहाँ पुजगिरी बाबा है, तो पुजगिरी बाबा से कुछ आप लोग से बात करवा देते हैं, क्योंकि पुजगिरी बाबा जो यहाँ का जो जितना भी चीज़ बोलता है सब सही रहता है। और हम आए हैं तो यहाँ दर्शन कर लिए, जो यहाँ बाबा शिवलिंग को यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं भोले बाबा को। तो फिर यहाँ से अभी आ रहा है पुजगिरी बाबा, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग से, तो हम पुजगिरी बाबा से जो मिलाने के लिए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं पुजगिरी बाबा है यहाँ का जो मंदिर का सुंदरनाथ धाम से। तो अभी कुछ आप लोग को विशेष बताएगा और हार्दिक शुभकामना भी देगा आप सबको, तो बताइए कुछ हार्दिक शुभकामना दे दीजिए जितना भी व्यूवर सब है। 2024 सभी ग्रामवासियों, बिहारवासियों, भारत देशवासियों के लिए शुभ, सुख समृद्धि मिले। आज नया साल है 2024 का, सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का कतार लग गया मंदिर में, हजार की हजार भक्त आए और बाबा को पूजा पाठ करके मनवांछित फल पाए हैं और बाबा से शुभकामना किए हैं ये 2024 अच्छा से चले बीते। खास करके सुंदरनाथ धाम में 22 जनवरी को नंदी बाबा को स्थापना होगा, वहाँ अयोध्या में रामलला का स्थापना, सुंदरनाथ धाम में नंदीश्वर भगवान की स्थापना होगा 22 जनवरी। 22 जनवरी तो काफ़ी, तब यहाँ पे भीड़ होगा, भयंकर भीड़ होगा। यहाँ विधिवत भगवान नंदी को 21 जनवरी को ही नगर भ्रमण के लिए गाजा बाजा के साथ निकाले जाएंगे और पूरा प्रखंड नगर घूम के फिर बाबा को यहाँ नंदी महाराज को लाए जाएंगे। और 22 जनवरी को विधिवत स्थापना दिवस बनाया गया है, उसी दिन स्थापना किया जाएगा। आज सभी देशवासियों से हम बाबा सुंदरनाथ से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे
कि हमारे सारे भारत देश का लोग सुख समृद्धि से रहे, सुख शांति से रहे, विश्व का शांति हो, हमारा सनातन धर्म जो है वो मजबूत हो। सनातन की रक्षा करने के लिए सारे हिंदुस्तान के लोग लगा हुआ है और जब तक सूरज शांत रहेगा ये सनातन धर्म हमारा नाम रहेगा। तो दोस्तों, और आप लोग सुने कि यहाँ पे 22 तारीख जितना भी भाई है, मेरा वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग देख सकते हैं, तो जितना भी भाई सब है जो अगल बगल अररिया जिला का, मतलब जहाँ आसपास का है, जितना भी देख रहे हैं, तो 22 तारीख को नंदी का यहाँ पर नंदी का स्थापना होगा। तो आप लोग भारी की संख्या में आइए। 2024 का शुभकामना सुंदरनाथ की तरफ से सारे श्रद्धालुओं को मिले, सुख समृद्धि से आनंद रहे, यही मेरा कामना है। तो चैनल के बारे में भी बोल दीजिए आप, जैसे कि सुंदरनाथ धाम का लाइक कीजिए आप लोग, वीडियो देखते रहिए भगवान का, क्योंकि सुंदरनाथ धाम का हम वीडियो काफ़ी बनाते हैं और मेरा चैनल में अधिकतम सुंदरनाथ धाम से जुटा हुआ है। ये बालक लगनशील है, ये भगवान के प्रति इतना श्रद्धा है, कूट कूट के भरा हुआ है श्रद्धा, जब आता है तो भगवान के शरण में आके कुछ न कुछ संदेश आप लोगों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, फिर यहाँ से आप लोग को फिर से हम दर्शन करवा देते हैं। अभी जो पुजगरी बाबा है, इतना सारा माला लाया है, अभी जस्ट लाया, सब यहाँ पे श्रृंगार पूजा होगा, श्रृंगार पूजा होगा यहाँ पे शाम में। तो हर एक, मतलब सोमवार को श्रृंगार पूजा होता है ना, हर एक सोमवार को श्रृंगार पूजा है। यदि आप लोग को देखने का मन है तो शाम में यहाँ पे आ जाइए, आप लोग जरूर देखिएगा हर एक सोमवार को। तो चलते हैं दोस्तों, फिर यहाँ से आगे आप लोग को देखते हैं। यहाँ से चलते हैं आगे आप लोग को दिखाने के लिए, यहाँ बने इस तरह से है, और यहाँ से चलते हैं माता पार्वती के मंदिर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबा है टिक्का लगा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो यहाँ से चलते हैं माता पार्वती मंदिर, फिर देख सकते हैं कि माता पार्वती के मंदिर में हम प्रवेश हो गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गणपति जी महाराज है, पहले गणपति जी महाराज को प्रणाम कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे माता पार्वती है तो यहाँ भी हम प्रणाम कर लेते हैं। तो आज नया साल का शुभ अवसर पे आए हैं मंदिर को, यहाँ आप लोग को दर्शन करवाने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं आगे, आप लोग को किस तरह से है, और बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे, और यहाँ देख सकते हैं पूरा बाउंड्री, और यहाँ शिव गंगा भी आप लोग देख सकते हैं। अभी पूरा शाम हो गया है, तो अभी पूरा श्रद्धालु जो कि आज काफ़ी भीड़ था सुंदरनाथ धाम में, जो बहुत सारा भीड़ था तो हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि हम दूसरा काम से गए थे बाहर, तो वहाँ से लेट से पहुँचे। तो अभी आप लोग को हम जो वीडियो बना के दिखा रहे हैं यहाँ देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो को हमको एंड करना होगा, और आप लोग को जहाँ तक होता है तो यहाँ का भी व्यू आप लोग को दिखा रहे हैं। तो क्योंकि आज 1 जनवरी था, तो हम सोचे कि आप 1 जनवरी का वीडियो सुंदरनाथ धाम का क्यों नहीं आप लोग को बना के दिखाएं, तो आज दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बाबा का भी दर्शन करवा दिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी से ही हम वीडियो स्टार्टिंग किए थे ब्लॉगिंग करना, तो आज हम फाइनली देख सकते हैं कि 1 जनवरी 3 साल लगभग होने वाला है मेरा चैनल का। तो अब 1 जनवरी आज आया है, तो फिर आज आए हैं आप लोग को यहाँ पे दर्शन करवाने के लिए, तो दर्शन पूरा मंदिर का भी व्यू आप लोग को दिखाएं, दर्शन भी करवाएं। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।